अब हम तीनों बैठ चुके हैं गाड़ी में, चेक। साहिल भाई नहीं मिल रहा और अनाउंसमेंट करवाने जा रहे हैं अभी हम, यहाँ दर्शन करने भैरव बाबा के। हेलो, जय श्री राम, जय माता दी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की जो शुरुआत हो रही है, आज जा रहे हैं वैष्णो देवी और अभी जा रहा हूँ मैं अभिषेक को लेने। और साहिल भाई, साहिल भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई जी, यहाँ पे लगा बड़ा अच्छा लगा हमें आके आपके पास। ये है मेरे साहिल भाई जो कि हिमाचल से हैं, आज ये आए हैं मेरे पास। कैसे क्या हालत हुई है उसकी, ऑलरेडी बीमार था तो अभी देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, तो रेलवे स्टेशन में अभिषेक यहीं पे कहीं खड़ा है, तो देखते हैं जरा। रेलवे स्टेशन रश देखो कितना भाई, खड़ा कहाँ पे होगा, इस साइड से जाता हूँ। वो कह रहा है कि हाँ, उसने मुझे बोला है कि मैं एटीएम के पास खड़ा हूँ, तो एटीएम के पास पहुँचने वाला हूँ। जम्मू तभी रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ, चेक करो लेवल। एटीएम के पास तो पहुँच गया हूँ, कहाँ है वो खड़ा है देखो, ऐसे खड़ा है जाकर। ये फोन कर रहा है, मुझे फोन कर रहा है, उठाऊंगा नहीं। अभिषेक तो अपना भाई मिल गया यहाँ पे, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। सामान कहाँ है? सामान देखो कितना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको घर जाके। ओके, अभी भाई अभी पहुंच गया मेरे कमरे में, चेक करो भाई। एक फ्लैक्स तो बनता है, ये कड़ा फ्लैक्स है। मैं और साहिल भाई नहा चुके हैं और अभी अभिषेक नहा रहा है, जैसे नहाएगा फिर अभी हम जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। अभी हम सब तीनों निकल चुके हैं घर से बाहर, बस स्टैंड जाके पकड़ते हैं गाड़ी। जो असली स्टाइल है ना वो है साहिल भाई का, मिलते हैं जाके, पहले खाते हैं कुछ फिर निकलते हैं। अभी ले रहे हैं यहाँ से खाने के लिए सेब और फ्रूट्स, केले भी ले लेते हैं। सेब फ्रूट्स में ही आते हैं भाई। तो अब हम तीनों बैठ चुके हैं गाड़ी में, चेक करो साहिल भाई की टेंशन। और यहाँ पे बैठा है हमारा अभिषेक और मैं खा रहा हूँ सेब। ड्राइवर भाई चेक करो, ये ड्राइवर है और यही कंडक्टर, टफ जॉब। तो आगे निकलते हैं, आपको सीन दिखाते जाते हैं, जाओ। दो सवारी आ चुकी है, देर में हम होंगे कटरा, तो फिर करेंगे चढ़ाई, फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन क्या होता है। तो अभी बस यहाँ पे रुकी है, तो यहाँ पीते हैं चाय वाय कुछ पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे। बस चेक करो भाई, यहाँ पे हो रहा है साहिल भाई का फोटो शूट, चेक करो साहिल भाई की पोजिंग, चेक करो भाई, बाकी छोड़ो पोजिंग भाई, एक पोज हो जाए एक फोटो के लिए। क्या बात है, फोटो आ गया भाई फोटो भाई। और जिसको पोजिंग सीखनी है भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें।
जहाँ पे हम आ गए यहाँ पे होती है चेकिंग, अभी हम सब उतरेंगे और चेकिंग कराएंगे फिर आगे की। वो अभी कराते हैं चेकिंग यहाँ जाके, तो यहाँ से निकलना पड़ता है, ये देखो चेक पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ से निकलना पड़ता है, तो फिर हम कराते हैं आपको चेकिंग फिर निकलते हैं आगे। वैष्णो देवी की जो यात्रा है देखो हमने स्टार्ट यहाँ से करनी है नीचे से, हमें लगी है सेल जुराबों की, अभिषेक लेगा जुराबे 10-15 जुराबे जोड़े लेगा और यहाँ सब्जी ले सकते हो, ये सारे खड़े हैं ले ले 50 रुपए की जुराबे और क्या मिलनी है, प्यूमा मिल रही है ले 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 रहा है का अभी लेगा ये जुराबे चेक और ले रही है जुराबे चेक करो भाई चेक कराओ जुराबे 50 रुपए वाली। नहीं मैंने 20 की लगाई 20 की आपके लग रेडी लगा दी, हम ऐसे करते हैं सारे जुराबे 50 की लेकर 20 की भेज देते हैं तो सारे घाटे में हम ही रहेंगे ना। अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड कटरा, चेक करो बस स्टैंड कटरा का, इस साइड में आए हो पहली बार, ये है बस स्टैंड कटरा का और वहां पे जाना है हमको वो ऊपर पहाड़ी चढ़ के। अभिषेक अभी ले रहा है पैसे 18 रुपए बाकी रहते थे हमारे तो हमने वो ले लिए। सो अभी है हमारे पास एक थैला जो कि हमने केले सेब वगैरह खाए हैं, तो अभी इसको हम कैसे क्या सीन करेंगे देखते हैं, अभी वो पता नहीं क्या सीन करते हैं क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं मिल रहा। क्या मतलब डस्टबिन इसमें डालना नहीं है डस्टबिन मिल नहीं रहा, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको देखते हैं अभिषेक भाई कहाँ डालते हैं, रिस्की काम चल रहा है यहाँ पे तगड़े लेवल का। ओ वो टांग दिया बंदे की टांग दिया भाई गिफ्ट करके आया हूँ गिफ्ट करके आए मैं कैसे टांगा भाई ने पता भी लगा भाई टांग दिया बड़े शातिर हो भाई। अब तीनों भाई जा रहे हैं, देखो हम तीनों भाई मिल गए, साहिल भाई मैं और अभी भाई, तो अभी यहाँ से एंट्रेंस लेंगे हम ऊपर की तरफ जो कि भवन की तरफ रास्ता जाता है, तो एक रास्ता जाता है नीचे, जो नीचे रास्ता जाता है वो है रियासी जाता है रियासी, ठीक है तो आगे चल के मिलते हैं। ये है वैष्णो देवी की यहाँ पे मेन मार्केट, यहाँ से हम पर्ची कटाने जाएंगे, यात्रा टिकट मिलती है यहाँ से, अब यात्रा टिकट कटाते हैं फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे ली जाती है यात्रा की टिकट, चेक करो मिल गया है एंट्री टिकट और यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ चेक करो भाई ये है बस स्टैंड, अब यहाँ से हम निकलेंगे जाएंगे इस तरफ। तो अभी हमने ले लिया टिकट काउंटर से अपने अपने बैच, देखो चेक करो ये यात्रा के लिए जरूरी होता है, तीनों ने ले लिया, शेख ने ले लिया, साहिल भाई ने ले लिया, तो अभी यहाँ से निकलते हैं तो यात्रा शुरू करते हैं। ओके ओवर एंड आउट। तो अभी लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी तो मैंने अपनी जैकेट ली है उतार, ठीक है ये है हमारा एंडी कार्ड, तो अभी हम तीनों जा रहे हैं। साहिल भाई की लुक तो अलग लग रही है, तो ये है यहाँ पे एंट्रेंस माता जी का, ठीक है चल अंदर से अंदर से। तो अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस, यहाँ पे होती है चेकिंग फिर हमारी यात्रा हो जाएगी शुरू, ये देखो यहाँ पे। तो हमारा प्लान ये है कि आज जाके रात को वापस भी आना है, तो यात्रा शुरू करते हैं, पहले भोजन करते हैं फिर करते हैं अगली बात। कुछ लोग यहाँ पे लेके आते हैं विमल पान मसाला, गंद मचाया यहाँ पे। तो एंट्री अभी हमने कर ली और अभी जाएंगे हम लंगर खाने का रास्ता जो है वो है वहाँ से, ठीक है और खाते हैं लंगर फिर निकलते हैं आगे। ओके यहाँ पे लगता है देखो लंगर, गुलशन जी का लंगर जो कि बरसों से लगता आ रहा है, तो यहाँ से नीचे चलते हैं। चलो यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारनी है, ठीक है तो ये हमने कर लिया यहाँ पे एंट्री, वो तेज से लगी ना हमको लंगर तो हमने छोड़ते कहीं भी। तो अभी हम सबसे आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे मिलते हैं आपको। अभिषेक पीछे है, अभिषेक काफी पीछे रह गया है, कहाँ वो आ रहा है। हाँ चेक करो भाई मिल गया है हमें प्रसाद माता जी का, यहाँ पे पूरा लगा है लंगर लगा है माता जी का, और जो अभिषेक भाई खा रहे हैं ना देखो भूख कितनी लगी है, मजा आ रहा है टेस्टी है। तो अभी खाना भी आ चुका है, अभी खाना खाते हैं माता जी का नाम लेके। ओके खा के मिलते हैं। सो अभी हमने लंगर किया खत्म, तो अभी चढ़ाई करिए शुरू, तो अभी आगे जाके मिलते हैं, जहाँ जहाँ तक रुकेंगे फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। हालत हो गई बड़ी माड़ी साहिल भाई की,
क्या लग रहा साहिल भाई? जगन्नाथ अच्छा लग रहा है पर गर्मी बड़ी ज्यादा लग रही है। तो ये हमारे साथ इनका समा भीगा हो चुका है क्योंकि सारे कपड़े गीले हो चुके हैं और अर्ध कुंवारी बस पहुंचने ही वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में विद इन 15-20 मिनट में अर्ध कुंवारी में रीच कर जाएंगे हम। तो वहां जाके आपको मिलते हैं और दृश्य दिखाते हैं माता जी का वहां पे पहुंच के। ठीक है तब तक चेक करो आप। जय माता जी। अभी पहुंच चुके हैं हम अर्ध कुंवारी और गोलू भाई कहाँ पे गए साहिल भाई अपने वो कोई पता नहीं है, पहले उनको ढूंढना है फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये है अर्ध कुंवारी इसलिए यहाँ पे पड़ा है रश। कहाँ है भाई गोलू भाई? बस राही अभी हम आए अर्ध कुंवारी पहुंच चुके हैं तो चेक करो। जो ये रास्ता एक ये भवन को एक रास्ता ये भी जाता है एक नीचे से भी जाता है तो हम यहां से जाएंगे और ऊपर चेक करो। अभी भर रहे हैं हम यहाँ पे निशुल्क पानी जो कि मुफ्त की सेवा मिलती है। पीछे चेक करो मेरे, पानी पीते हैं फिर ढूंढते हैं हम गोलू भाई को। यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हो या फिर लेट सकते हो। और ये है भवन का दूसरा रास्ता। साहिल भाई नहीं मिल रहा और अनाउंसमेंट करवाने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पे। अनाउंसमेंट करवानी थी। हाँ जी लड़का पता नहीं कहाँ पीछे रह गया है, वो आगे निकल गया या पीछे निकल गया ये नहीं पता। अरे वो ऊपर होगा ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, बैग बुक भी नहीं है, रात को वो रुकेगा कैसे? गोलू कांगड़ा से यहाँ बुला लो, गोलू कांगड़ा से अनाउंसमेंट करवा दिया तो अब देखते हैं गोलू भाई मिलता है या नहीं मिलता। तो गोलू भाई तो गया है गुम, तो अभी हम जा रहे हैं भवन के रास्ते। तो क्या कहना चाहते हो भाई गोलू भाई को? अभी पहुंच जाए ऊपर, यही है आखिरी। मैं तो चाहता हूँ गोलू भाई इधर मिल जाए रास्ते में तो फिर तीनों साथ जाएं, बट गोलू भाई कहाँ पे? अनाउंसमेंट तो करवा दिया बट गोलू भाई मिला नहीं। अनाउंसमेंट गोज रॉन्ग। ठीक है अनाउंसमेंट वाले ऐसे करते हैं कि अगले बंदे को आवाज़ भी नहीं आती, धीरे धीरे करते हैं। भाई बोल रहा था गोलू कांगड़ा से आ जाएं, गोलू कांगड़ा से आ जाएं भवन, आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तो और अभी हम जो ढलान 6000 बंदे दे नाम बोलता है वो तो है, पर फिर भी अगर बंदा कोई घूम गया भाई इसको अच्छे से नाम तो ले, जोर तो लगा थोड़ा। 1000 बंदों का नाम बोलता बेचारा तो थक जाता है। ज्यादा भी बोलते हैं यार, 1000 से ज्यादा काम है ना भाई, काम फिर अच्छे से करो ना। चेक करो बंदे चढ़ाई चढ़ रहे हैं कोई उतर रहे हैं। तो गोलू भाई का इंतज़ार हमें है अभी काफ़ी समय तक, जब तक वो मिलेंगे नहीं। ये नीचे से रास्ता आता है ऊपर, क्या पता गोलू भाई यहाँ मिल जाए भवन के रास्ता जो दूसरा रास्ता है। दोस्तों हमें मिल गया एक दोस्त जो कि चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा था और हम उसको धक्के दे दे के चढ़ रहे हैं। क्या भाई कहाँ से हो? रामपराक नहीं। ओके वेस्ट बंगाल से बंदा मिल गया हमें, चेक करो। और हमारे से भवन चलोगे नहीं? और पीछे चल रहे हैं, फैमिली चल रहे हैं। और कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? नहीं बहुत बार आए हो। फिर तो तेज चलना, फिर तो तेज चलना चाहिए तेरे को। थक गई हो क्या?
तो छोटी देर हो गया चल रही है भाई दौड़ के कंपटीशन में देखो कौन है। मैंने डाल लिया हुड क्योंकि यहाँ पे होगी ठंड ठीक है। अभी गोलू भाई अभी तक मिला नहीं है तो ऊपर चलते हैं क्या होता है गोलू भाई वहाँ तक मिल ही जाए। काफी ठंड होने के कारण मैंने ले लिया कॉफी। सनसेट चेक करो भाई यहाँ का। फाइनली हम भवन के सामने ही पहुंच चुके हैं। चेक करो माता जी का भवन देखो पूरा जगमगा रहा है पूरा। गोलू पहुंचा है अर्धकुंवारी अभी आया उसका कॉल। गोलू भाई पहुंचा है अर्धकुंवारी। बड़ा मुश्किल है भाई ऊपर बैठेंगे बैठ के वीडियो एडिट करूंगा तो वीडियो डाल दूंगा फिर कल आ जाएगा ये ब्लॉग और चलते हैं आगे। जय माता जी। तो फाइनली अभी हम पार्वती भवन पहुंच चुके हैं और चेक करो यहाँ पे भीड़ भड़का बहुत ज्यादा है और टाइम अभी हुआ है 6 शाम के। यहाँ से मिलता है जो आपने प्रसाद वगैरह लेना है यहाँ पे लाइन लगाओ। प्रसाद लेना तूने हैं लेने दे। हाँ चेक करो देखो देखो तो कहाँ चढ़ रहा है। चेक करो अंकल की जिम बॉडी चेक करो अंकल की। ला भाई प्रसाद ले लिया तो अभी आप आगे निकलते हैं। गोलू भाई भी पीछे आ रहा है तो फिर आगे जाके वेट करते हैं उसके लिए थोड़ा। यहाँ पे है दो भवन कहाँ से जाता रहा ये है भैरव जी की घाटी का रास्ता और दूसरी साइड है यहाँ से जो ये साइड है ये जाती है वैष्णो देवी भवन। अभी हम जा रहे हैं लॉकर रूम में सामान रखने जितना भी बैग वगैरह फोन वगैरह जूते सब वहीं पे रखेंगे। और लाइन चेक करो कितनी बहुत ज़्यादा लंबी लगी है ठीक है। यहाँ देखो ये है वैष्णो देवी भवन का जो नया रास्ता है यहाँ पे लगी है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन 1 किलोमीटर तक लाइन ही लाइन है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे लॉकर रूम देखते हैं और वहाँ से करते हैं कोई सीन जाके। ओके फाइनली अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और साहिल भाई का भी फोन आ चुका है अभी वो यहाँ पे खड़ा कहीं पे लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता। बाय भाई आ गया बंदा 200 साल बाद भाई कहाँ छुप गया इधर चला गया था बता दो यार गुम हो गया था मैं नहीं गुम हो गया भाई अनाउंसमेंट करा के थक गए। चेक करो फाइनली हमारा बंदा मिल गया चेक करो चलो अपन चेक करो भाई यहाँ से जय माता दी कर लो सारे दर्शन। और अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने भैरव बाबा के तो वहां पे जाके आपको मिलते हैं ठीक है चलिए। सो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम भैरव घाटी और यहां पे करेंगे हम दर्शन। चेक करो यहां पे है भैरव घाटी जी भैरव बाबा जी के दर्शन यहां पे होंगे। और चेक करो और साहिल भाई अभिषेक भाई ये मैं अभी यहाँ से हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करेंगे तो यहाँ से हम जल्दी से निकलेंगे ठीक है। फाइनली कर लिए भैरव घाटी के दर्शन मेरे अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कटरा की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे आके जाके मिलते हैं आपको ठीक है। आपको लग रहा है भैरव जी का टीका और अभिषेक भाई हमारा लेके आया है जो कि हमसे बहुत प्यार करता है भाई लगा दो जय भैरव बाबा जी की जय 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 हो अपने भी लगा दो मत्थे जय हो टॉफी खा लो टॉफी खा लो ये गाइस टॉफी खा रहे हैं अभी हम गाइस खाओगे टॉफी अगर नहीं खाओगे तो सो जाओ। रात का जो व्यू है ना यहाँ पे पूछो मत भाई क्या तगड़े लेवल का व्यू है देखो पूरी कटरा सिटी दिख रही है यहाँ से। सो अब हम सब रुक गए हैं यहाँ पे खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे मिलता है प्रसाद और मैं अभिषेक और मेरा प्यारा भाई है ना जो साहिल भाई से हम बहुत प्यार करते हैं भाई बहुत मुश्किल से ढूंढा है अब इसको हम गवाना नहीं चाहते इसलिए पहले इसको खिला लेते हैं घोड़े जैसे चने खिला के फिर तगड़ा हो जाएगा बंदा। चेक करो भाई भाई की खुशी देखो चने खाते हुए भाई खुश हो दोबारा भी लेंगे भाई हैं दोबारा भी लेंगे दोबारा लेंगे भाई क्या बादाम भी आ गया। तो सुबह के बज चुके हैं 5 तो अब हम पहुंच गए नीचे। नीचे तो हम 1-1.5 घंटा पहले ही आ गए थे रेस्ट कर रहे थे थोड़ी और अब भी भाई की लाते देंगे जवाब लंगड़े हो गए हैं भाई भाई क्या हो गया रातों में है लगा बस अभी हम पकड़ेंगे बस जाएंगे घर और रजाई लेके ऐसा सोएंगे आप पता नहीं कब उठेंगे ठीक है। तो अभी पहुंचते हैं घर तो बहुत ही मुश्किल है भाई अभी भाई के लिए और मैं भी ठीक हूँ और साहिल भाई भी सेट है और
अभी भाई का बुरा हाल हो गया, तो हम चलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी, ध्यान रखो अपना, ठंड बहुत है, बाय बाय।